जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आप भी फोन पे यूज करते हैं तो बिल्कुल ये वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि फोन पे एक ऐसी ऐप्स है जिसे हर व्यक्ति के फोन में आपको मिलेगी। हर व्यक्ति इस ऐप्स का प्रयोग करता है। देखिए, इस ऐप्स के बारे में मैं कुछ ऐसी घटना आपको बताने वाला हूँ जिसके सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इस वीडियो को अंत तक बने रहिए, मैं आपका ज्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लूंगा, और क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक है। अगर आपने ये वीडियो मिस कर दी तो शायद आप बहुत कुछ खो सकते हैं। अगर आप भी फोन पे यूज करते हैं तो आपको ये वीडियो जरूर से जरूर देखनी चाहिए और पूरी देख। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, ज्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करूंगा। मैं सबसे पहले सीधी बात बताता हूँ, मेरे ऊपर होता है। देखिए, ये जो फोन पे है, ऐसे मैं आपने स्क्रीन पे आपको दिखा रखा है, फोन पे में पैसे भेजते हैं तो ऐसे सक्सेसफुल आ जाता है। अगर आपकी कहीं पेमेंट रुक जाती है तो उसके बदले ऐसे घेरे में आ जाता है, जैसे ये घेरा लिखा हुआ है, इस पे ये लिखा हुआ है, अब बिल्कुल ट्रांजन, इस पे लिखा हुआ है कि आपकी पेमेंट 48 घंटे के अंदर अंदर अगले को भेज दी जाएगी या फिर आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपका पैसा सेफ है। ये बात मैंने पहले भी सोची थी, मैंने सोचा भाई हो जाता है, एक बार होगा तो, मेरे साथ तीन तीन बार ऐसा हुआ, और हुआ भी क्या, जैसे ये मैसेज आया तो मैं भूल गया। दो तीन दिन बाद देखिए ये सक्सेसफुल का मैसेज आ जाता है। सक्सेसफुल का मैसेज आने के बाद क्या होता है मेरे साथ, ये जो सक्सेसफुल का मैसेज आ गया, इसके आने के बाद मैंने सोचा पैसे अगले के अकाउंट में चले गए, लेकिन जब मैंने अगले को कॉल किया तो अगला बोल रहा है कि मेरे पास पैसे आए ही नहीं, और पैसे नहीं आए तो मुझे टेंशन होगी कि पैसे गए कहाँ। तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि शायद अगला झूठ बोलता हो, तो मैंने उसके कहा कि फिर से चेक करो, फिर से चेक किया, उसके पास पैसे नहीं गए। तो मैंने फ़ोन पे को क्या है कि फिर मतलब कंप्लेंट करने के बाद मुझे ये मैसेज आए, देखिए ये देखिए बार बार मैसेज आ रहे हैं, तो पैसा ठीक है अगले के अकाउंट में पहुंच चुका, ये बोलता है अगला बंदा। फिर मैंने सोचा शायद अगला बंदा झूठ बोल रहा हूँ, तो मैंने अगले बंदे का जो अकाउंट फीड है उसकी जो भी अकाउंट स्टेटमेंट चेक की, उसके पास पैसे गए नहीं और मेरे से पैसे डेबिट हो चुके हैं, तो पैसे गए कहाँ। ये बहुत बड़ी बात है, आपके कभी ना कभी कोई ना कोई पेमेंट जरूर से जरूर अटकी होगी फोन पे। मेरी तीन पेमेंट अटक चुकी है, मेरे से यहाँ से टिक दिखा रहा है और अगले के पास पैसे गए नहीं है, और तीनों में से सिर्फ एक पेमेंट मिली, वो भी बहुत दिनों के बाद। पता नहीं आगे पेमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये फोन पे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा वो जाने, या उसके प्रोसेस में कमी है, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मेरी पेमेंट अटकी हुई है, ये बात मैं आपको बताता हूँ आगे से ध्यान। और दूसरी सबसे बड़ी बात, गूगल पे ले लो, कोई भी पेटीएम ले लो, कोई भी ऐप्स, गूगल पे ले लो, पेटीएम ले लो, कोई भी दूसरी ऐप्स ले लो, जिससे अगर आप रिचार्ज करते हैं तो आपका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करता। बट अगर आप फोन पे से रिचार्ज करते हैं तो फोन पे से अगर आपने रिचार्ज किया तो आपके हर रिचार्ज सब एक या दो रुपए जरूर कटेंगे जीएसटी के। अंदाजा लगा सकते हैं, मान लो एक बंदे ने रिचार्ज किया, वही रिचार्ज एक दिन में लाख बंदे रिचार्ज करते हैं, एक बंदे से अगर एक रुपया मांगा जाता है तो लाख रुपए की इनकम होती है। ये बात आप बिल्कुल मत भूलना, जरूरी तो है ना, एक दो रुपये देने, फोन गूगल पे से कर लो, पेटीएम से कर लो, बहुत सारी ऐप्स है जो रिचार्ज कर सकते हो। लेकिन ये बात अगर आप सोचोगे यार एक दो रुपये तो कटे हैं क्या लगता है हमारा, जाने दो, लेकिन भाई ये बात आप सोच लो, बाकी आपको करना है, यूज करना है, नहीं करना है, क्या करना है, ये आपकी मर्जी है, ऐप सही है गलत है इस बारे में कुछ नहीं कह रहा, लेकिन मेरे साथ जो घटना हुई उस घटना के बारे में बिल्कुल आप ध्यान दीजिए, यूज करने से पहले बिल्कुल 10 बार सोचिए, और आगे आपकी मर्जी है। मुझे जो अच्छा लगा, जो मुझे मेरे साथ घटना हुई, जो ऐप्स के बारे में वो मैंने आपको बताया। अगर वीडियो ये अच्छा लगा हो, ये वीडियो काम का हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, और आप हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आने वाली वीडियो में बहुत सारी ऐसी नॉलेज आपको प्रदान करेंगे जो आपके लिए और आपकी लाइफ में बहुत काम आ सकती है। तो बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। जय श्री राम।